फ्रेंड्स, आज मैं एक एल कॉर्नर में 3 BHK का ऐसा फ्लैट लेकर आया हूं कि हर क्लाइंट का, हर फैमिली का एक ही मन होगा कि ये वाला फ्लैट उनको मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी बातें इस फ्लैट में हैं जो कि हर फ्लैट में आपको नहीं मिलेंगी। एल कॉर्नर का ये फ्लैट रहेगा, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग रहेगी, 125 गज में ये रहेगा। जितने भी आपके रूम रहेंगे सभी आपके 12x11, 13x14 इस साइज़ के मिलेंगे, और आपको जो किचन मिलने वाली है 12x7 की किचन मिलने वाली है। हर जो आपके सेपरेट आपको वॉशिंग एरिया मिलेगा, 2 वॉशरूम मिलेंगे वो भी बड़े साइज़ में, और वुडन का जो वर्क रहेगा हर रूम में आपको लग्जरी वुडन का वर्क मिलेगा। और फ्रेंड्स, इसमें लाइटिंग वर्क प्रॉपर और एल शेप में, और एल भी आपकी 30 फीट और 25 फीट की दोनों तरफ, और सन फेसिंग और आपका साउथ फेसिंग, जिसमें कि आपका मॉर्निंग से ही धूप रहेगी, और इंडिपेंडेंट बिल्डिंग रहेगी, LIC से लोन रहेगा। तो और क्या चाहिए, हर फैसिलिटी इस फ्लैट में रहेगी। तो ये हमारा नियर द्वारका मोड़ के पास, इसको देखने के लिए वीडियो एंड तक देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार कलसी फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलसी एसोसिएट्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने इंडिपेंडेंट बिल्डिंग और 3 BHK का फ्लैट लेकर आए हैं जो कि हमारा एल कॉर्नर में रहेगा। और फ्रेंड्स, एल कॉर्नर में भी ये फ्रेंड्स आपकी दोनों तरफ जो एल रहेगी, आपका 30 फीट 25 फीट रोड रहेगी। फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ 4 ही फ्लैट रहेंगे, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग रहेगी, सन फेसिंग रहेगी और हमारा साउथ फेसिंग रहेगी। इसका मतलब कि पूरा दिन आपके फ्लैट में अभी धूप रहेगी, जो कि हम आगे वीडियो में भी अभी भी आपको सनलाइट दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है, सिचुएटेड ये हमारा उत्तम नगर मोहन गार्डन में रहेगी, और नियर द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से ये आपका हार्डली 125 किलोमीटर रहेगी। फ्रेंड्स, इसमें जब आप अपने फ्लैट में आएंगे, 30 फीट वाइड रोड से कम आपको कोई रोड नहीं मिलेगी। फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो सीवरेज, दिल्ली जल बोर्ड, गैस पाइपलाइन, BSES मीटर सभी आपको मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, साइज़ की बात करूँ तो हर रूम का साइज़ आपको अल्टीमेट मिलने वाला है, और सभी रूम्स में आपको विंडो, वेंटिलेशन, लाइट इस फ्लैट में कमी नहीं रहेगी। लिफ्ट के साथ रहेगा,
कार पार्किंग रहेगी। और फ्रेंड्स कार पार्किंग भी आपकी काफ़ी अच्छे साइज में दो तरफ से आपको ओपन वाइड मिले, क्योंकि एल कॉर्नर में है तो दोनों तरफ से आपको गेट मिल जाएंगे, तो आपकी इजी गाड़ी बाहर और अंदर इजी हो जाएगी। एक टाइम में आपकी दो तीन गाड़ियां इजी एक दोनों गेट से निकल सकती है। तो फैसिलिटीज़ एल कॉर्नर में काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स रेजिडेंशियल एरिया रहेगा, बाहर निकलते ही आपको मार्केट, स्कूल, क्लिनिक्स ये भी सब आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें ड्राइंग रूम का जो ड्राइंग रूम का साइज़ भी रहेगा वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा हमारा। ये जो फ्लैट रहेगा 16x14 का तो ड्राइंग रूम ही रहेगा फ्रेंड्स, स्क्वायर में रहेगा, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अब पार्किंग से होते हुए अपना रोड देखेंगे, पार्किंग से होते हुए अपने फ्लैट की तरफ। लिफ्ट इसमें लगी हुई है। तो फ्रेंड्स ये हमारी लिफ्ट रहेगी, वर्किंग है, बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। अभी इसमें सिर्फ एक आपका पीवीसी है जो आपका ओपन होगी, तो आपको सिल्वर कलर की आपको काफ़ी अच्छी लिफ्ट मिल जाएगी। और फ्रंट में आपको टाइल्स वर्क मिलेगा और स्टेयर्स में भी हमने टाइल्स वर्क किया है, जिससे कि आपकी मेंटेनेंस मिनिमम रहेगी। ग्रेनाइट पत्थर आपका रहेगा स्टेयर्स में, स्टेनलेस स्टील की आपको रेलिंग मिल जाएगी फ्रेंड्स। और ये हमारी एंट्री रहेगी, और जैसे ही मैं एंट्री करूँगा तो सीधा अपने ड्राइंग रूम में आएंगे। और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं 8 फीट हाइट का डोर मिलेगा आपको दोनों तरफ, आपको माइके का वर्क मिलेगा, आपको लॉक काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, आपको कैमरे के साथ आपको एक सिक्योरिटी लॉक मिल जाएगा, यहाँ से आप बाहर देख सकते हैं और उसके बाद ओपन कर सकते हैं अपना गेट। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से आपको कैमरे के साथ आपको सिक्योरिटी मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं अपने ड्राइंग रूम में आऊँगा, और ये जो 16x14 का ये ड्राइंग रूम रहेगा तो साइज़ देख सकते हैं काफ़ी अच्छा। तो फ्रेंड्स ये हमारा ड्राइंग रूम रहेगा 16x14 का, और फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं एल शेप में आपका सोफ़ा लगा हुआ है। इसमें हमारा फुल्ली फर्निश, सेमी फर्निश दोनों ले सकते हैं, और पीछे की तरफ आपको काफ़ी अच्छा डिजिटल वॉलपेपर मिल जाएगा। इस रूम में, इस ड्राइंग रूम में आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग मिलेगी, स्प्लिट एसी लगा सकते हैं। और बिल्कुल ठीक सामने आपका एक काफ़ी अच्छा एलईडी पैनल, और देख सकते हैं डिज़ाइनिंग इसमें। नीचे आपको ड्रॉअर मिल जाएंगे, अलग अलग सेक्शन मिल जाएंगे अपने डेकोरेटिव पीसेस रखने के लिए। आपको लाइटिंग वर्क मिल जाएगा, माइके का रहेगा इसमें आपका, वुडन का रहेगा, प्लाईवुड इसमें यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो एरिया रहेगा आपका डाइनिंग का रहेगा, यहाँ पर आप अपना डाइनिंग स्पेस बना सकते हैं, इतनी स्पेस आपको मिल जाएगी इसमें, आप काफ़ी अच्छा ये आपका स्पेस बन जाएगा। और उसके बाद भी आपको काफ़ी ओपन एरिया इसमें मिलने वाला है, तो स्क्वायर में ये आपका ड्राइंग रूम रहेगा। ऊपर देखें आप काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग, और इसमें आपको शैंडलियर, फैन लाइट, फोग लाइट सभी हमारी तरफ से फिटेड मिलेंगी, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं अपनी मैप की बात करूं तो 125 स्क्वायर यार्ड में ये हमारा फ्लैट रहेगा, 100 स्क्वायर यार्ड ये ऑन पेपर रहेगा, तो एल शेप में है, तो एल शेप के कारण हमारी बैल्कनी का सुपर एरिया बढ़ जाता है, अप्रॉक्स आपका 25 फीट सुपर एरिया बढ़ेगा, जो कि हमने यूज़ किया गया है उसका काफ़ी अच्छा, और साइज़ काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। इसमें दो जो हमारे इस तरफ फ्रंट में रहेंगे हमारे, और एक हमारा इस तरफ रहेगा रूम। चलते हैं फर्स्ट अपना किचन की तरफ, और ये हमारा एक वॉशरूम है। फर्स्ट मैं आपको किचन दिखाता हूँ। फर्स्ट किचन से पहले आप देख सकते हैं वुडन का वर्क आपको मिलेगा यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा, जिसमें ड्राइंग रूम भी आपका इन्हेंस होगा। आपको देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लाइटिंग वर्क के साथ वुडन का रहेगा। और किचन की साइज़ की बात करूं तो 12x7 की आपकी किचन रहेगी, देख सकते हैं स्पेस आपको कितना मिलने वाला है। तो इस फ्लैट में फ्रेंड्स जगह की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अगर आपने अच्छे साइज़ के हर रूम, वॉशरूम, बैल्कनी हर चीज़ में आपको परफेक्ट चाहिए तो ये वाला फ्लैट आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो आप देख सकते हैं किचन का साइज़, लंबाई और चौड़ाई में आप देख सकते हैं, कम से कम भी आपका 5 से 6 लोग एक टाइम पर यहाँ वर्क कर सकते हैं। नीचे आपका ग्रेनाइट पत्थर रहेगा प्रॉपर सेल्फ में, और इसमें आपको मॉडलर किचन मिल जाएगी, आपको बास्केट जो मिलेंगी स्टेनलेस स्टील की मिल जाएंगी, बड़े बास्केट्स के लिए आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा, टाइल्स वर्क आपको प्रॉपर मिलेगा, और उसके बाद आपको डबल आपको वो कवर्स मिल जाएंगे ऊपर और नीचे, जिससे कि आपका स्पेस काफ़ी अच्छा यूज़ हो जाएगा, कितना भी आपका सामान हो इजी इसमें आ जाएगा। और सब में पार्टीशन आपको मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे पार्टीशन आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका ये सिंक रहेगी साउंड प्रूफ, हॉट कोल्ड डायरेक्ट वाटर की आपकी टैब रहेगी,
आरओ की आपकी टैब रहेगी और आपका बास्केट रहेगी आपकी वेजिटेबल और उसमें आपका फ्रूट्स वॉशिंग की। और फ्रेंड्स इसमें ये आपकी एक पेंट्री रहेगी, ये आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें भी आपका सामान आने वाला है, और उसके बावजूद भी काफ़ी बड़ी किचन आपको इसमें मिल जाएगी, तो स्पेस की आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और ऊपर की तरफ आप देखें फॉल सीलिंग और लाइट, आपको फैंसी लाइट सभी आपको इसमें मिलने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो किचन रहेगी प्रॉपर वेंटिलेशन वाली रहेगी, 30 फीट वाइड रोड सन फेसिंग की तरफ आपकी रहेगी, और ये आपकी चिमनी आपको मिल जाएगी, और सनलाइट आप देख सकते हैं अभी भी आपको दिख जाएगी, तो ये सन फेसिंग की तरफ है। तो अभी तकरीबन 10:30 बजे हैं, तो मॉर्निंग की आपकी जो सनलाइट आपको मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स एक हमारा ये कॉमन वॉशरूम रहेगा, और इसकी भी साइज की बात करूं तो आपको 6x8 का ये वॉशरूम मिल जाएगा। बॉटम टू रूफ आपको टाइल्स वर्क मिलेगा, और फ्रेंड्स इसमें सभी फिटिंग्स आपको मिल जाएंगी, आपको शॉवर सीट गीजर सभी फिटिंग्स आपकी रहेंगी। और उसके बाद वेंटिलेशन के लिए अगेन 30 फीट की तरफ आपको विंडो मिलेगी, जिसमें एग्जॉस्ट आप लगा सकते हैं, और नॉन स्लिपरी आपकी फ्लोरिंग रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा साइज भी इसमें मिल जाएगा, तो ये हमारा कॉमन वॉशरूम, आपके गेस्ट भी ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में, तो ये हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा, और ये फर्स्ट बेडरूम रहेगा, इसमें हमारा अटैच वॉशरूम आपका और आपको अलमीरा मिलेगी। उसके बाद आपको एलईडी पैनल और एक हमारी बैल्कनी भी इसके साथ अटैच रहेगी। और साइज़ की बात करूं तो ये 12x10 का ये रूम रहेगा, पीछे डिजिटल वॉलपेपर लाइटिंग वर्क प्रॉपर मिलेगा, फॉल सीलिंग फैन एलईडी लाइट्स लाइट सभी आपको इसमें मिल जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स अगर इस तरफ हमारा बेड रहेगा तो सामने की तरफ आपको एक एलईडी पैनल मिल जाएगा, और ये भी देख सकते हैं इसमें आपको एंटीना की आपको वायर मिल जाएगी, ड्रॉर्स मिल जाएंगे, और फ्रेंड लाइटिंग वर्क इसमें आपको प्रॉपर मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स और ये हमारी एक अलमीरा डबल अलमीरा मिलने वाली है, स्लाइडिंग रहेगी, जिसमें आपको स्पेस बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपके ड्रॉर्स आपको मिल जाएंगे, तो दोनों तरफ आपको अलमीरा मिलने वाली है डबल। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा वॉशरूम रहेगा, तो फ्रेंड्स ये हमारा वॉशरूम रहेगा, अगेन बॉटम टू रूफ आपको टाइल्स मिल जाएंगी, फॉल सीलिंग मिलेगी, लाइटिंग मिल जाएगी, शॉवर वॉश बेसिन सीट सभी रहेगी, और ये आपका साइज जो रहेगा 8x5 का रहेगा। तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको वेंटिलेशन जो रहेगी वो हमारी 30 फीट रोड की तरफ विंडो आपकी मिल जाएगी, एग्जॉस्ट फैन आपका इजी लगने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं अपने बैल्कनी की तरफ, और वहां दिखाएंगे आपको वॉशिंग एरिया। तो फ्रेंड्स ये हमारी बैल्कनी रहेगी, और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं आपको स्टेनलेस स्टील की आपको रेलिंग मिलने वाली है, और एक आपको वॉशिंग एरिया मिलने वाला है। ये हमारा प्रॉपर सेपरेट वॉशिंग एरिया बनाया गया है, और इसमें भी प्रॉपर बॉटम टू रूफ आपका टाइल्स वर्क किया गया है, और यहाँ पर आपको टैप दी गई है, पावर के स्विच दे दिए गए हैं, लाइटिंग का वर्क दे दिया गया है, यहाँ पर आप वॉशिंग एरिया और ये स्पेस आपका प्रॉपर यूज़ होगा। और बैल्कनी की बात करूँ फ्रेंड्स, इसमें आपको 25 फीट लंबी बैल्कनी मिलने वाली है, और इसमें आपको 4 फीट चौड़ी मिलेगी, और इस तरफ भी आपको बैल्कनी मिलेगी, दोनों तरफ आपकी बैल्कनी रहेगी, और इस तरफ भी आपकी 12-13 फुट की आपकी ये बैल्कनी रहेगी। अब आप देख सकते हैं सन फेस की ये रहेगी, अभी भी लाइटिंग आपको प्रॉपर मिलेगी, धूप आपकी प्रॉपर आपको मिलने वाली है, और फ्रंट एलिवेशन प्रॉपर टाइल्स वर्क रहेगा, पेंट वर्क आपको बिल्कुल भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं ड्राइंग रूम से होते हुए अपने सेकंड बेडरूम में, और ये हमारा सेकंड बेडरूम रहेगा, और फ्रेंड्स इसके साइज़ की बात करूँ तो ये आपको मिलने वाला है, आपका रहेगा बहुत अच्छा साइज़ रहने वाला है। इसमें आपको साइज़ में बता दूँ प्रॉपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 14x आपका 10 का ये साइज़ रहेगा, 14 फिट आपका वाइड ये रहेगा, काफ़ी अच्छा साइज़ रहेगा। और पीछे आप देख सकते हैं ये आपका वॉलपेपर प्रॉपर रहेगा, और ये वॉलपेपर के ऊपर भी फॉल सीलिंग में भी आपका वॉलपेपर यूज़ किया गया है, और इसमें लाइटिंग एलईडी लाइट सभी आपको मिलने वाला है। इस तरफ प्रॉपर आपका एक बेड रहेगा, लाइटिंग आप सनलाइट आप देख सकते हैं अभी भी आपको इसमें दिख जाएगी, सनलाइट पूरे घर में आपको प्रॉपर सुबह से लेकर शाम तक मिलेगी, विंडो आपको मिलेगी, दोनों पल्ले लगे हुए हैं जाली के और मिरर के, विंडो एसी आप यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपकी बैल्कनी रहेगी, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर आपको स्टडी टेबल आपको अलमीरा दिखा देता हूँ, ये प्रॉपर
आपको वॉल टू वॉल, एक आपको कंप्यूटर टेबल, स्टडी टेबल, कुछ भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी बुक्स रख सकते हैं। उसके बाद सेंक्शन आपको अलग अलग मिल जाते हैं और यहाँ पर भी आप अपना कुछ भी स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर आपकी वर्क टू होम अगर आप करते हैं तो प्रॉपर स्पेस आपको मिल जाएगा अपने ही रूम में पूरा सेटअप। उसके बाद फ्रेंड्स अगेन आपको ये भी बैल्कनी का रास्ता मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड बेडरूम से भी बैल्कनी रहेगी, अगेन काफ़ी लंबी बैल्कनी आपको मिलेगी, आपको 17-18 फीट की लंबी बैल्कनी दोनों तरफ से आपको मिल जाएगी, एल शेप में रहेगी। तो सनलाइट आप देख सकते हैं अभी भी आपको प्रॉपर सनलाइट मिलने वाली है। तो ये हमारा नॉर्थ और साउथ फेसिंग का है, दिन भर आपको लाइट और धूप मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स अभी आपने दोनों रूम देख लिए हैं बैल्कनी के साथ अटैच, अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम के साथ। तो ये हमारा थर्ड बेडरूम रहेगा और इसका साइज सबसे अच्छा साइज इसका रहने वाला है फ्रेंड्स, ये आपको काफ़ी अच्छा साइज 14x12 का ये साइज रहेगा, 12x14 का। अगर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो आप रूम में देख सकते हैं कितना साइज आपको मिलने वाला है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बेड के बावजूद भी यहाँ पर आपको कम से कम भी 4 से 5 फीट की जगह और इस तरफ आपको 12x8 की जगह प्रॉपर आपको मिलने वाली है। इस तरफ आप देख सकते हैं प्रॉपर वाइड आपको एक विंडो मिलेगी जिसमें कि आपको सनलाइट अभी भी दिख जाएगी, ये आपकी सनलाइट आपको मिलेगी। और यहाँ पर आपका विंडो एसी रहेगा, दोनों बल्ले आपको इसमें मिल जाएंगे मिरर के और आपके जाली के। और एक आपको ड्रेसिंग टेबल यहाँ पर मिलेगा और नीचे आपको ड्रॉर्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स प्रॉपर आपका सभी इसमें रखा गया है ध्यान। और ये आपका वॉलपेपर रहेगा, फैंसी लाइट, फोक लाइट, एलईडी लाइट्स, फॉल सीलिंग में भी सभी लाइट्स हमारी तरफ से आपको मिलेगी। और इस तरफ आप देखें तो काफ़ी अच्छे साइज़ की आपको अलमीरा मिलेगी। और उसके बाद भी फ्रेंड्स अलमीरा के बावजूद भी आप देख सकते हैं कितना स्पेस आपको अभी मिलने वाला है। और फ्रेंड्स इस तरफ आपका एलईडी पैनल ये भी ध्यान रखा गया है और इसमें भी आपको ड्रॉर, आपकी टीवी की वायर, पावर स्विच सभी फिटेड आपको ऑलरेडी मिलेगी। तो फ्रेंड्स इतना अच्छा साइज बेडरूम का आपको इस पूरे फ्लैट में सभी जो बेडरूम के साइज हैं काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। तो ये आपका एक परफेक्ट आपका फ्लैट रहेगा। तो फ्रेंड इसके प्राइस की बात करूँ तो वो भी बड़ा रीजनेबल है, आप डिस्क्रिप्शन पे आप जाएं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एल कॉर्नर का इंडिपेंडेंट बिल्डिंग 3 BHK का फ्लैट फ्रेंड्स, जिसकी कि दोनों रोड आपकी 30 फीट और आपका 25 फीट रहेगी। और सबसे अच्छी बात सन फेसिंग और आपका साउथ फेसिंग, जिससे कि आपका पूरा दिन आपको धूप और आपको लाइट मिलने वाली है। और इसकी सभी रूम्स में आपको विंडो मिलेगी जिससे कि आपका वेंटिलेशन भी आपकी प्रॉपर रहेगी। तो एल कॉर्नर में सबसे अच्छी बात ये रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा 30x30 का 100 स्क्वायर यार्ड का फ्लैट रहेगा, जिसमें कि आपको सुपर एरिया जो मिलने वाला है वो आपका 125 स्क्वायर यार्ड का मिलेगा। सुपर एरिया 100 स्क्वायर यार्ड 30x30 आपका ऑन पेपर। और फ्रेंड्स ये आपकी सिर्फ इंडिपेंडेंट बिल्डिंग रहेगी, सिर्फ 4 ही फ्लैट रहेंगे। तो इसमें भी ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि ज़्यादा फ्लैट में आपको बिल्कुल ईजी रहेगा, रहने में भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स एल शेप में है तो सभी आपको बैल्कनी, किचन आपको वेंटिलेशन वाली मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसमें नीचे जो पार्किंग की बात करूं, लिफ्ट आपको इसमें मिल जाएगी, पार्किंग में भी आपको 2 गेट मिल जाएंगे, इजी आपकी गाड़ी भी पार्क हो जाएगी और बड़ी गाड़ी भी आपकी इजी लग सकती है क्योंकि एल शेप में 4 गाड़ियां इजी लग जाएंगी। तो फ्रेंड्स स्ट्रेटेड ये हमारा उत्तम नगर मोहन गार्डन में रहेगा, नियर द्वारका मोड मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 1.25 किलोमीटर हार्डली रहने वाला है, 1 से 1.25 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स बात करूँ इसमें LIC लोन भी ईजी हो जाएगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा बाहर आपको इजी मार्केट, आपको हॉस्पिटल, क्लिनिक सभी मिल जाएंगे। तो ये फ्लैट हमारा काफ़ी अच्छा, प्राइस की बात करूं तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अगर आप इसमें विजिट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पर कॉल करें, आप विजिट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वीक में 4 से 5 वीडियो आपको मिलने वाली है, हो सकता है आपके सपनों का घर आपको जल्दी मिल जाए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं श्री कुमार कलसी फिर से लेता हूं आपसे इजाज़त, हरे कृष्णा।